ये तो आज हमें देखना है कंप्लीट एनालिसिस ऑफ प्रोडक्ट एंड इट्स कैलकुलेशन। ठीक है, प्रोडक्ट की हमने प्रोडक्ट को एनालिसिस करना है, इसका पूरा एनालिसिस करना है, और इसके बाद उसका प्रॉफिट का हमने कैसे कैलकुलेशन करनी है उसके प्रॉफिट की, और हमें कैसे पता चलेगा कि उसकी एफडीए फीस कितनी होगी, उसकी एफडीए फुलफिलमेंट फीस कितनी होगी, स्टोरेज फीस कितनी होगी, वो अमेजोन ही हमें बताएगा। तो वो हमने कैसे देखना है कि अमेजोन हमें बताएगा, तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे कोई भी आप प्रोडक्ट है, बात यह कि हमें पता चलना चाहिए कि हमने ये एनालिसिस कैसे करना है। ठीक है, ये रैंडमली एक प्रोडक्ट है, इससे ही हम एनालिसिस कर लेते हैं। जैसे अब ये देखिए प्रोडक्ट है, इसकी प्राइस जो है ये 11.58 इसकी क्या है, इसकी बाय बॉक्स प्राइस है। ठीक है, इसके ऊपर टू सेलर्स बैठे हैं। ओके, इसके ऊपर दो सेलर्स बैठे हुए हैं। अगर देखना है कि इसके ऊपर एफबीए सेलर कितने हैं और एफबीएम सेलर कितने हैं, वो आपको जब शुरू में आप इसकी लिस्टिंग ही निकालते हैं ना, तब भी पता चल जाता है। और अगर नहीं पता चल रहा, आपने सेलर सैंपल क्लिक करके देखना है, तो वो ज़्यादा बेस्ट है। आप ऐसे भी इसको देख सकते हैं। हमने इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हमारे पास ये आ जाएंगे इसके ऊपर कितने सेलर बैठे हैं और कौन कौन से सेलर बैठे हैं। ठीक है, ये देखिए ये जो सेलर है ये क्या है, एफबीएम, ये भी एफबीएम कर रहे हैं और ये भी एफबीएम कर रहे हैं। दोनों के दोनों क्या है, एफबीएम सेलर बैठे हैं, एफबीए नहीं है। एफबीओ और एफबीएम में क्या फर्क होता है, एफबीए जो होता है ना वो शिप फ्रॉम इधर अमेजोन लिखा हुआ होता है, अमेजोन लिखा हो और सोल्ड बाय मर्चेंट लिखा हो, मतलब ये मर्चेंट बैठा हुआ। ठीक है, ये क्या होता है, एफ डी ए, मतलब अमेजोन उसको क्या कर रहा हो, शिप कर रहा हो। ठीक है, अमेजोन उसको शिप कर रहा हो और उसे मर्चेंट सोल्ड कर रहा हो, तो ये क्या होता है, एफ डी ए। और एफ डी एम जैसे ये इसे मर्चेंट ही इसे सोल्ड कर रहा है, शिप कर रहा है और मर्चेंट इसे सोल्ड कर रहा है, तो ये क्या है, एफ बी एम। ठीक है, अगर इधर अमेजोन होता तो ये भी एफ बी होना था, अगर इधर अमेजोन होता तो ये भी एफ बी ही हमने इसको कहना था, लेकिन ये दोनों क्या है, एफ बी एम। ओके, तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी हंटिंग। आगे हंटिंग नहीं बल्कि इसका हमने देखना है कि इसके ऊपर प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन हमने कैसे करना है। ठीक है, अब हम इसे देख लेते हैं कि ये हमें कहाँ से मिलेगी। ठीक है, इसको सर्च करके देख लेते हैं। जी, तो ये होम डिपो के ऊपर भी अवेलेबल है और वॉलमार्ट पे भी अवेलेबल है। ये देखेंगे होम डिपो पे है, ये वॉलमार्ट पे है, वॉलमार्ट के ऊपर भी है, और बिगा मार्ट शायद के ऊपर भी है। तो हमने किसके ऊपर देखना है, होम डिपो और वॉलमार्ट की लिस्टिंग। ठीक है, ये होम डिपो की लिस्टिंग हमने ओपन कर ली, ये वॉलमार्ट सीए है। ठीक है, ये ख्याल रखना है, अगर आप इस लिस्टिंग को खोलेंगे तो ये हमें कनाडा में ले जाएगा, सीए, वॉलमार्ट डॉट सीए, ये क्या है, कनाडा। और हमने किस पे देखना है, वॉलमार्ट डॉट कॉम, ये क्या है, अमेरिका और यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, तो हमने दोनों की लिस्टिंग ओपन कर ली है। तो होम डिपो के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वीपीएन लगाना पड़ेगा। वीपीएन जो है ये फ्री वीपीएन है, जेनमेट फ्री वीपीएन है, इसको ये एक्सटेंशन है, आप इस ऐड कर लें गूगल में, तो ये क्या हो जाएगा, आपको फ्री में ये सर्विस दे देगा। ठीक है, अब हम इसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप हमारे सामने वो लिस्टिंग आ जाए। जी, ये हमारे सामने लिस्टिंग आ जाती है, वो वाली अभी सर्चिंग हो रहा है, तो अभी कम्प्लीट हो जाएगा फिर हमारे सामने इसकी लिस्टिंग आएगी। जी, तो ये हमारे सामने लिस्टिंग आ चुकी है, इधर से हमें कितने की मिलती है, 5.97 की, और ये पिकअप इसका नहीं अवेलेबल, और ये हमारे लिए अच्छी चीज़ है कि पिकअप हमें नहीं करना पड़ेगा, बल्कि हमें क्या करना पड़ेगा, शिप ये खुद करेगा। ठीक है, मतलब इसकी शिपिंग अवेलेबल है। ओके, तो और इसको पढ़ने 8 इंच टू 10 इंच माइक्रो फाइबर एंड सिंथेटिक लीड बुकिंग बोनट सेट टू पीसेस। ओके, ये टू पीसेस हमें 5.97 के दे रहे हैं, और
हमें अमेजोन से कितने मिल रहे हैं, अमेजोन से कितने मिल रहे हैं? वीपीएन लगाया क्योंकि थोड़ा सा स्लो हो गया जी। तो अमेजोन पे में हमें 2 पैक मिलता है, ठीक है, 2 पीसेस 2 पैक है की चीज। ओके, तो अमेजोन पे 5 पॉइंट सॉरी 11.58 का है। तो अब इसको हमने कैलकुलेट कैसे करना है, ठीक है, ताकि हमें प्रॉफिट मार्जिन का पता चले। 15% इसकी जो है रेफरल फीस काटती है, सारी चीजें काटने के बाद हमारे पास प्रॉफिट कितना बचेगा वो हमने कहाँ पे कैलकुलेट करना है। इसकी आप चीट भी बना सकते हैं, लेकिन अमेजोन ने अपना खुद एक पेज दिया, अमेजोन सेलिंग सेंट्रल का ही एक पेज है, वो अमेजोन ने दिया, तो हमने उसको प्रेफर ज्यादा करना है, उसको यूज करना है। तो पहले उससे पहले देख लेते हैं वॉलमार्ट पे, ये शायद वॉलमार्ट पे ये ओपन ही होगा क्योंकि हमने लगाया हुआ वीपीएन, वीपीएन ऑफ करके देखते हैं, हो सकता है कि मतलब में वीपीएन आ जाए। नहीं, हमारे सामने इसकी जो वॉलमार्ट पर लिस्टिंग है ना वो नहीं है फिल्म, तो वो ओपन नहीं हो रही। मुझे पहले हम क्या करते हैं अपना, इसका हमने प्रॉफिट मार्जिन ये दोनों का हम भी टू पे, और इधर से जो हमें अमेजोन दे रहा है, अमेजोन जो जहाँ पे हमें सेल करना है, उन दोनों से हमने क्या करनी है प्रॉफिट मार्जिन देखना है। तो ये सिंपल काम है, बिल्कुल सिंपल है। ये मैंने आपको जल्दी जल्दी बता देना, ये छोटी सी वीडियो बनानी है, तो चले मैं जल्दी जल्दी बना रहा हूँ। मैंने सोचा था कि आप लोगों को मैं आराम से बताता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए, इधर मैं और तो करता हूँ, ठीक है। आप लोगों ने क्या लिखना है, गूगल पे जाना है, एफ ए लिखेंगे, एफ ए रेवेन्यू कैलकुलेटर आप लोगों ने लिखना है, एफ ए रेवेन्यू कैलकुलेटर आप लिखेंगे, तो वो हमारे सामने जो अमेजोन से सैलरी सेंट्रल का अपना उसने दिया हुआ ना, उसका अपना पेज है सैलरी सेंट्रल का, ये देखिए सैलरी सेंट्रल डॉट अमेजोन डॉट कॉम एफ बी ए कैलकुलेटर, ठीक है, ये एफ बी ए कैलकुलेटर आप इसको ओपन कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसको ओपन करता रहता हूँ, इस पर देखता रहता हूँ, इसलिए वो नीचे भी आ गया तो ऊपर भी आ गया, ठीक है। तो हमने वो ऊपर वाला ऑन कर दिया, तो इसको ओपन करने के बाद हमने इसको कैसे देखना है, इसका सामने हमारे क्या आता है इसका, तो वो हम देखते हैं, वो मैं बताता हूँ आप लोगों को। ये देखेंगे ये सैलरी सेंट्रल डॉट अमेजोन डॉट कॉम, ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर, ठीक है, ये देखिए प्रॉफिटेबिलिटी हमने प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है। जी, ये अमेजोन सैलरी सेंट्रल का ही ये पेज है, और ये बिल्कुल ओरिजिनल है, ये कोई एक्सटेंशन या कोई एक टूल नहीं है, ये फ्री में हमें दिया हुआ है, ये बहुत अच्छी चीज है, आप इसको यूज करते हैं, इतना क्या कर सकते हैं प्रॉफिट मार्जिन आप दे सकते हैं। ये ओपन हो रहा है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जैसे ओपन होता है। जी, तो ये आ चुका है, ठीक है, ये देखिए इसको आप अपने सैलरी सेंट्रल के साथ भी इसको आप कर सकते हैं साइन इन कर सकते हैं, और इसको आपने अगर वैसे सैलरी सेंट्रल आपके पास नहीं, आपने वैसे ही चेक करना है प्रोडक्ट हंटिंग आप ओनली करें, आपके पास सैलरी सेंट्रल नहीं है, तो आप इसको कंटिन्यू एज गेस्ट कर सकते हैं। जी, तो जब हमने इधर आना है तो इसमें हमें रेवेन्यू कैलकुलेटर में सर्च अमेजोन कैटलॉग में जाना है, ठीक है। फिर हमारे पास ये प्रोडक्ट थी, इसके ऊपर जाना है जो अमेजोन के ऊपर प्रोडक्ट पड़ी है, ये इसका हमने ASIN जो है ना, एसन जिसे हम कहते हैं, वो हमने इसका कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद जब हमने उधर पेस्ट करना है ना एफ बी कैलकुलेटर में, ये ऊपर भी लिखा होता है और नीचे जब आप इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो उधर भी मिल जाएगा आपको इसका ASIN, तो ये ऊपर भी होता है, ये जो DP के बाद लिखा होता है ये इसका ASIN होता है ओरिजिनल, ये वाला इसको हमने कॉपी करना है। कॉपी कर लिया, फिर हम गए रेवेन्यू कैलकुलेटर पे, रेवेन्यू कैलकुलेटर में जो अमेजोन कैटलॉग वाला है ना सर्च अमेजोन कैटलॉग, इसमें हमने इसको क्या करना है पेस्ट करके सर्च कर देना है, ठीक है। अब ये देखें इसका BSR जो सेल्स रैंक होता है वो इसका वेट, ये इसका ASIN नंबर आ गया, ये इसका वेट आ गया, ये इसकी डायमेंशंस, और इसका ये सेल्स रैंक, और कितने इसके ऊपर सेलर्स बैठे हैं, इसको ये ऑफर्स में लिखता है, ठीक है, इसकी कितनी रेटिंग है, और ये सारे इसके ऊपर किस कौन कौन सी LLC के ऊपर ये अवेलेबल है, मतलब वो हमें ऑफर्स में दे देता है। ये अब इसकी सेल्स प्राइस है, ठीक है, इसका अब हमने कैलकुलेशन इसकी कैसे करनी है, ये इसकी जो अमेजोन फीचर्स होती हैं
ठीक है, अमेजोन की रेफरल फीस ये इसकी जो 15% होती है, 1.40 डॉलर, ये इसकी अमेजोन की बन गई, उसने खुद ही इसको कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, और ये इसकी क्लोजिंग फीस और वेरिएबल क्लोजिंग फीस। अब हमने इसके ऊपर अपना प्रॉफिट मार्जिन वो कैसे हमने कैलकुलेट करना है, ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यहाँ हमने क्या करना है, जहाँ से इसको परचेज करना है ना, वो हमने इसकी प्राइस लगानी है। ठीक है, वो हमारी किस पे थी, टारगेट पे थी, सॉरी होम डिपो पे थी। होम डिपो के लिए हमें वीपीएन ऑन करना पड़ेगा। फाइव पॉइंट 9 सेवन, वो हमने इधर लिखी है 5.97। तो इसमें ये हमारे जो प्रॉफिट इसका होगा ना, वो इधर आएगा नेट प्रॉफिट में, और इसका जो आरआई होगा वो नेट मार्जिन में आएगा। तो ये हमें उसने कैलकुलेट करके दे दिया, इसका जो प्रॉफिट है ये माइनस में जा रहा है। ठीक है, तो इसका हम ऐसे इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं अपने प्रॉफिट मार्जिन की, अमेजॉन ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए।